नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिट्टू कुमार और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, 2005 के बाद बहाल शिक्षकों के प्रमाण पत्र की होगी जांच। जिलों में 800 से अधिक हैं दिव्यांग शिक्षक उठा रहे हैं सवाल। सभी के प्रमाण पत्रों की जांच की जिम्मेवारी नियोजन इकाई की होगी। ये खबर मोतिहारी से छप के आ रही है। साथ में यहाँ पर भी आपको दिखाएंगे कि 1 से 100 तक की गिनती शिक्षिका को पता नहीं तो गंगा का पर्यायवाची शब्द शिक्षक नहीं बता पाए। अधिकारियों ने पंचायतों में विकास योजनाओं की जांच रिपोर्ट विभाग को भेजा गया। तो पूरा डिटेल इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि कौन सी खबर कहां से निकल के क्या आ रही है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन कर लीजिए प्रेस, ताकि साथ में चैनल से रिलेटेड कोई भी बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और उस वीडियो का आप लाभ उठा सके। यहाँ पे देख सकते हैं सिटी रिपोर्टर यानी कि मोतिहारी की तरफ से खबर छप के आ रही है। कहा जा रहा है कि जिले में 2005 के बाद से बहाल सभी दिव्यांग शिक्षकों के दिव्यांग प्रमाण पत्र की जांच होगी। इसको लेकर DPO स्थापना ने जिले के सभी नियोजन इकाई से दिव्यांग शिक्षकों की सूची मांगी है। सूची उपलब्ध होने के बाद सभी प्रमाण पत्रों की जांच के लिए सिविल सर्जन को भेजा जाएगा। 2005 से अब तक जिले में तकरीबन 800 दिव्यांग शिक्षकों की बहाली हुई है। बताया जाता है कि सूचना के अधिकार के तहत RTI कार्यकर्ताओं ने 81 शिक्षकों के गलत दिव्यांग प्रमाण पत्र पर बहाल होने से संबंधित सूचना की मांग की थी। इसके बाद DPO स्थापना प्रफुल्ल कुमार मिश्र ने पहले फेज में 67 दिव्यांग शिक्षकों के प्रमाण पत्रों को वेरिफिकेशन के लिए सिविल सर्जन कार्यालय को भेजा था। सिविल सर्जन ने वेरिफिकेशन में 38 शिक्षकों के प्रमाण पत्रों को कार्यालय अभिषेक से मिलान करने पर अप्राप्त व अन्य कारण बताया था। इसके बाद दिव्यांग शिक्षकों ने सिविल सर्जन कार्यालय में हंगामा किया था। कई ने DM से भी मिलकर दोबारा प्रमाण पत्र का वेरिफिकेशन कराने का अनुरोध किया था। इसके बाद भी सिविल सर्जन डॉक्टर अंजनी कुमार ने सभी का मेडिकल बोर्ड के सामने फिजिकल वेरिफिकेशन करने का निर्णय लिया था। बुधवार को पहले फेज में 7 दिव्यांग शिक्षकों का फिजिकल वेरिफिकेशन किया गया, जिसमें 4 अस्थिजन दिव्यांग को मेडिकल बोर्ड ने सही पाया। 2 आँख के दिव्यांग का गुरुवार को वेरिफिकेशन किया गया, इसमें 1 को सही पाया गया तथा दूसरे में गड़बड़ी पाई गई। वहाँ ENT के विशेषज्ञ सदर अस्पताल में नहीं होने के कारण 1 को वेरिफिकेशन के लिए SKMCH भेज दिया गया है। यहाँ पे देखिए क्या कहा जाता है अधिकारियों की तरफ से, वो देख लेते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है सभी के प्रमाण पत्रों की जांच की जिम्मेवारी नियोजन इकाई की होगी। DPO स्थापना प्रफुल्ल कुमार मिश्र ने बताया कि शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जाँच की जिम्मेवारी संबंधित नियोजन इकाई की है। यह पता लगाया जा रहा है कि संबंधित नियोजन इकाई ने जांच कराई है कि नहीं। 2005 से 10 तक के बहाल दिव्यांग शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच कराई जाएगी। फिलहाल सूचना के अधिकार के तहत मांगे गए 81 दिव्यांग शिक्षकों के प्रमाण पत्र की जांच कराई जा रही है। यहाँ पे देख सकते हैं मेडिकल बोर्ड में 7 दिव्यांग शिक्षकों के फिजिकल वेरिफिकेशन किया गया है, अभी रिपोर्ट नहीं मिली है। रिपोर्ट मिलने के बाद शिक्षा विभाग को अग्रतर कार्रवाई के लिए भेज दिया जाएगा। डॉक्टर अंजनी कुमार सिविल सर्जन पूर्वी चंपारण के तरफ से अपडेट आया है। अब यहाँ पे ये देख लेते हैं कि इसमें कौन ऐसा शिक्षक हैं जो 1 से 100 तक की गिनती शिक्षिका को पता नहीं है तो गंगा का पर्यायवाची शब्द भी शिक्षक नहीं बता पाए हैं। एक महिला शिक्षक है और एक पुरुष शिक्षक है। तो चलिए इस खबर को भी विस्तार से देखते हैं। जो लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, अन्यथा भावनाओं में बह जाइएगा और लाइक करना भूल जाइएगा। यहाँ पे देख सकते हैं पंचायत में विकास योजनाओं की जांच के आदेश के आलोक में गुरुवार को अधिकारियों की टीम ने बोचहा, साहेबगंज, मीनापुर, पारू, मोतीपुर व गायघाट की पंचायतों में योजनाओं की जांच की। मीनापुर की गोरीगामा पंचायत में CO रामजी पी पासवान व घोसौत पंचायत में BDO भुवनेश्वर मिश्र ने जांच की। BDO की जांच में घुसौल के 7 नंबर वार्ड में नल जल योजना की टंकी खुली थी, 10 से 15 घरों में नल नहीं लगा हुआ था। उत्क्रमित मध्य विद्यालय झोला
झोझा में मध्यान्ह भोजन मेनू के अनुरूप नहीं बना था। उत्क्रमित विद्यालय सोडना माधोपुर में एक शिक्षिका से 1 से 100 तक की गिनती वीडियो ने पूछा तो शिक्षिका को कोई जवाब नहीं दे सकी। इसी स्कूल के एक शिक्षिका से गंगा का पर्यायवाची शब्द और दहेज अधिनियम कब आया वीडियो से पूछा तो शिक्षक नहीं बता पाए। वहीं घोसाव स्वास्थ्य केंद्र पर बुनियादी सुविधा का घोर अभाव दिखा तथा भवन जीर्ण अवस्था में पाया गया। इधर सीओ ने बताया कि गोरीगामा 6 नंबर वार्ड में अभी तक नल जल योजना चालू नहीं किया गया है। महदिया पंचायत में जिला भूअर्जन पदाधिकारी मोहम्मद उमैर व जिला आपूर्ति पदाधिकारी विजय कुमार पांडे ने अली नेचुरा पंचायत की जांच की है। एक छोटा सा अपडेट हमने आपको दिया दोस्तों, और भी कुछ अपडेट आएगा तो वो अपडेट भी हम आपको जरूर देंगे। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और ऐसे ही वीडियो न्यूज़ पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट बड़ी खबर के साथ। धन्यवाद दोस्तों।